क्लास 10th की एक्सरसाइज 1 की थ्योरम डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 तीन थ्योरम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है थ्योरम 1.5। इसमें क्या कह रहा है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। x कोई रैशनल नंबर है हमारा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो x को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, और p और q जो होंगे हमारे वो होंगे कोप्राइम, यानी कि उनका एचसीएफ 1 होगा। And the prime factorization of Q is of the form 2 की power n multiply में 5 की power m, where m and n are positive integers। और जहां पर Q जो होगा यानी denominator में जो होगा वो किस form में होगा, 2 की power n multiply में 5 की power m की form में होगा। और m और n यहां पर positive integers है, मतलब ये positive integers है हमारे, ठीक है, 1, 2, 3 positive वाले, ठीक है। तो सिंपल क्या कहना चाह रहा है, कोई भी हमारा x रैशनल नंबर है, x रैशनल नंबर ले लेते हैं जो को प्राइम हो, तो ऐसा होता है 33/100, एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो 33/100 इनका एचसीएफ 1 होता है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेट, जब हम 100 से 330 इस तरह से 33 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 33 छोटा है 100 से, तो 0 लगाएंगे, उसके लिए लगाना होगा हमें पॉइंट, तो 100 300 बचेगा यहाँ पर 30, फिर से पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक जीरो ऐसे लगा लेंगे 100 से, फिर से 100 300, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला हमें 0.33, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.33। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो क्यू किस फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ पर क्यू क्या है, ये ऊपर वाला पी होता है और नीचे वाला क्यू, तो क्यू जो है वो किस फॉर्म में होगा, क्यू यानी 100, ये किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो इसके फैक्टर करेंगे, 100 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ, 2 से 50 पर जाएगा ये, फिर से 2 से करेंगे तो 25 पर जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 जा पर, और फिर से 5 जा से करेंगे तो 1 जा, यानी कि 2 के फैक्टर, सॉरी 100 के फैक्टर, 100 के फैक्टर क्या होंगे, q, 100 हमारा क्या है q, तो q के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। यानी कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर, तो वो हमेशा 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में ही होगा, उसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा अगर यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अब है थ्योरम 1.6। 1.6 में क्या कह रहा है, लेट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू, लेट कर लेंगे x हमारा p by q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m, और प्राइम फैक्टर्स जो है q यानी डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में है, जहां पर m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, तो जो x होगा ये x होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेट आएगा, बिल्कुल 1.5 का अपोजिट कह रहा है हमें ये, ठीक है। तो कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी हमारा रैशनल नंबर जिसका q किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m, तो हम यहाँ पर पहले q ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हम कुछ भी लिख लेते हैं जो हमारा q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 ले लेते हैं, ठीक है, और ऊपर कुछ भी ले लेते हैं हम, 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर है 12, नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 यानी 5, तो हमारा क्या आएगा ये 12 अपॉन में 20, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 को रखेंगे अंदर, 20 से करेंगे डिवाइड, तो ये क्या होगा, मतलब डिवाइड करने के लिए 2 से 20 से छोटा है 12, तो 0 लगाएंगे और 0 के लिए बदले लगाएंगे हम इधर पॉइंट, तो 26 120, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया हमारा, टर्मिनेट। यही इस थ्योरम का मोटिव है, यही हमें इस थ्योरम में बताना चाहता है कि क्यू अगर हमारा इस फॉर्म में होगा, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में होगा, तो उसका डेसिमल हमेशा टर्मिनेट ही आएगा, ठीक है। अब है हमारे सामने थ्योरम 1.7, इसमें क्या कह रहा है, लेट x इक्वल्स टू p by q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। x हमारा कोई रैशनल नंबर है जो p by q की फॉर्म में है, कुछ इस तरह से है, जहां पर q जो है हमारा
वो किस फॉर्म में नहीं है? नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m, इस फॉर्म में जो q है वो इस फॉर्म में नहीं है, और जो n और m है हमारे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन x एज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर q इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पर हमें क्यू क्या रखना है, क्यू इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो 3, 3 के फैक्टर्स या तो 1 होता है या 3 होता है, तो ये 2 की पावर n और मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो 0 लगाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3, 3 जा 9, 1 आएगा, मतलब फिर से 1 आ गया, फिर से हमारा 0 लगानी पड़ेगी, फिर से 9 से डिवाइड कर देंगे, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3, 3, 3, 3 ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा हमारा, 0.3 बार, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी 3 इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/11, यहाँ पर 11 के भी फैक्टर्स, 1 और 11 के फैक्टर क्या होते हैं, या तो 11 ही 11 का फैक्टर होता है या फिर 1 होता है, उसके अलावा 11 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये है 3 से हम 11 सॉरी 11 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 0 लगाएंगे, 11 टू ज़ा 22, 30 में से 22 को माइनस करेंगे तो आएगा 8, 0 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 से पहले, जो क्वेश्चन था इसमें 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 0 लगाया, और 11 7 ज़ा 77, फिर से क्या आ गया, 3 आ गया, 3 से ही हमने शुरू किया था, यहाँ पर क्या था, 3, 3 से ही शुरू किया था, फिर से 3 आ गया, मतलब 0.27, 0.27, मतलब 0.27, मतलब हम यहाँ पे इस ये 27 फिर से रिपीट होगा, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 0.27 इस फॉर्म में, इस पर लगा देंगे बार, और इस पर ये मतलब क्या है, इसका 27 बार बार रिपीट होगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही इस थ्योरम का मोटिव है।